कुछ हो गया, दूसरी दिवाली आ गई, चंडीगढ़ मोहाली में बर्फ पड़ गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? वैसे इतना छोटा सा दिमाग है मेरा कि इतनी सारी चीजें प्रोसेस नहीं हो रही थी मुझसे कि तभी खबर आती है कि पूनम पांडे गुजर गई। अब भाई एज अ ह्यूमन तुम्हें पता लगता है कि कोई मर गया तो तुम्हें बुरा लगता है कि यार बताओ जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। लोग इतने शौक में थे कि उनकी स्टोरी देखने के बाद सर्च कर रहे हैं कि सर्वाइकल क्या होता है और सर्वीकल क्या होता है और ये गुजरी किस वजह से है, सर्वीकल से या सर्वाइकल से। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। लोगों को लगा कि उनका पैसे डूब गए जिन्होंने उनके स्पेशल साइट की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी। इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पे बिना कपड़ों के जाने की अनाउंसमेंट करने से लेकर अपनी मर्जी से झूठी खबर चलवाने तक इस महिला ने वो सब किया है जो किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है भाई साहब, हद तो इस वीडियो में हो गई। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women. Didi, मरने का तरीका थोड़ा casual नहीं है? Didi, welcome movie की RDX भाई हैं. Not to worry, Uday. अभी हम जिंदा हैं। बेसिकली इन्होंने सर्विकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए ये हूतिया पब्लिसिटी स्टंट किया है। सर्विकल कैंसर क्या होता है इसकी जगह इसकी प्रोनंसिएशन ही ठीक हुई है। लोग चलो एजुकेट तो हुए कि पूनम पांडे के हूतियापों को सीरियसली नहीं लेना है आज से। एक पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। पूनम ने 2011 में क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम में जाने को कहा था बिना कपड़ों के अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो। इंडिया तो वर्ल्ड कप जीत गई पर क्रिकेटर्स आज भी वेट कर रहे हैं। धोनी भाई एवे ओरियो का कैंपेन चलाता रहे कि 2011 में ओरियो आया इसीलिए वर्ल्ड कप आया। नहीं भाई, पूनम ने बोला था कि बिना कपड़ों के जाएगी इसीलिए वर्ल्ड कप आया। मेहनत वो क्या होती है। पूनम का बलिदान था वहाँ पे। पूनम ने बोला था कि वो बिना कपड़ों के ड्रेसिंग रूम में जाएगी इसीलिए इंडिया जीती है। आप पता है रोज करती है। पूनम पांडे एक लौती ऐसी महिला है जिसने रियल लाइफ में पबजी खेल लिया। उनकी पीआर ने पहले खुद के बंदे पे ही ग्रेनाइड फेंक करके रिवाइव कर दिया। पूनम पांडे अंडरटेकर की तरह 7 जिंदगियां लेकर के आई है। अरे बहन, जॉन स्नो को वापस जिंदा होने में पूरा एक सीजन लग गया था, आपने तो 24 घंटे भी नहीं होने दिए। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली। न्यूज के बाद सब लोग शॉक में थे कि भाई ये क्या हो गया यार, ये भी ऐसे भी हो जाता है क्या। पर रिवाइवल के बाद लोग डिवाइड हो गए। पूनम पांडे तू पागल है क्या? एक साइड से लोग गालियां दे रहे हैं, गंदी पब्लिसिटी, गंदी लड़की, सुअर, और दूसरे खुश हैं कि चलो बढ़िया है भाई जिंदा है, अब इनके सब्सक्रिप्शन का नुकसान नहीं होगा। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! इस मुद्दे के बाद लोगों को सर्विकल कैंसर के बारे में नॉलेज हो या ना हो अलग अलग गालियों की नॉलेज जरूर हो गई है। इन सब भसड़ के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यार काश आप सच में ही छोड़ो, रहने दो यार, विवाद हो जाएगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आई एम अलाइव, आई डिडंट डाई बिकॉज़ ऑफ सर्विकल कैंसर। अनफॉर्चूनेटली आई कैन नॉट से दैट अबाउट दोस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। हाँ अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाने के बाद, चार अच्छी बातें करने के बाद लोग अब सर्विकल कैंसर के बारे में बात करेंगे? अच्छा 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 अच्छा, पागल है के, ही मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। एक सेंसिटिव इशू को उठा करके उस पे आपने जितना बोला है ना, उससे ज्यादा तो लोग आपकी इस हरकतों पे बात कर रहे हैं। लोग तो अब ये बोल रहे हैं भाई सर्विकल कैंसर का इलाज हो ना हो, लोग मर रहे हैं, मरने दो, पहले इसका मानसिक संतुलन का इलाज करो, इसको ठीक करो यार पहले। वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2.5 साल की बच्ची जितना है। I'm afraid, जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे चलो अच्छा है बड़ी है, अगर छोटी होती तो इसके लिए हम ग्लेशियर पिघला देते। खत्म। मजे की बात तो है कि सारे न्यूज चैनल वालों ने बिना किसी जांच पड़ताल के ये दिखा दिया कि पूनम पांडे, मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हुआ। पूनम पांडे हैज पास्ड अवे दिस मॉर्निंग ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। बॉलीवुड एक्टर एंड मॉडल पूनम पांडे on Thursday due to cervical cancer. भाई तुम न्यूज वाले हो, तुम सोर्स अच्छे से जानोगे तभी तो लोगों को बताओगे ये क्या होता है भाई कि वो मर गई। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसे ही बोल दिया, हमें लगा कि वो मर गई, ये क्या बात होती है, किसी ने बोल दिया मर गई तो सबको बता दोगे? तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई तो लोग फैला देते हैं बात को बिल्कुल एकदम, क्योंकि कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट आप न्यूज चैनल हो और आप ऐसी खबर बिना जांच पड़ताल के लोगों को बता रहे हो, वाह भाई वाह, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women
who have lost their lives because of cervical cancer. इस डिजीज से तो बच जाएंगे, लेकिन आपकी ऐसी हरकतें करने वाली जो आपके अंदर डिजीज है, उससे हम कैसे बचेंगे? तो ये तुम्हारा समस्या है। अभी कल ही मेरे एक दोस्त ने आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन खरीदा है, पर आप तो जिंदा निकली। अब वो बेचारा कह रहा है या तो मेरा पैसा वापस करो या फिर मुझे कंटेंट दो। क्या बोलूं मैं उसको? रवि, रवि, रवि उठ जा। Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? No, Punarjanam Pandey ji, we are not talking about cervical cancer. We are talking about you and your stupid stunt. Meri English khatam ho gayi, lekin iske hutiyabon ko jitna soch rahi hu na, utna mera gussa khatam nahi ho raha hai. Aur Sushant sir, ab mazak nahi chal raha, theek hai na? Phaila diya aapne awareness nepotism ke, ab wapas aa jao, bahut ho gaya. It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. इन सब में तो स्पॉटलाइट आप ले गई। वैसे भी मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये सब फेक तो नहीं, क्योंकि आपकी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी जिसमें आप हेल्दी लग रहे थे, अच्छे खासे लग रहे थे, और वैसे भी यार प्लास्टिक तो हजार साल तक चल सकता है ना। भाई भाई देखो यार, जिंदगी में पहली बार यार किसी के मरने के बाद उसके जिंदा होने की खबर पे गुस्सा आ रहा है यार। भूखा के मर जा, टट्टी खा लो नाश्ते में। एक होता है ना, ह्यूमन नेचर होता है भाई कि अबे यार कितना भी बुरा था यार, मरना तो नहीं चाहिए था। वो वाला नेचर था भाई, जिंदा हो गई, ये कोई बात थोड़ी ना होती है यार। प्रैंक हो गया आपके साथ। ये प्रैंक कौन खेलता है भाई, गलत प्रैंक है ये। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट माय News has been able to achieve. क्या प्राउड दीदी, आपके कमेंट सेक्शन जाके देखो पहले, गालियाँ ही अचीव करी है आपने। इनका ये सिलसिला देख करके ना मुझे वो कहानी याद आ गई जो हम बचपन में सुना करते थे कि एक गांव होता है जिसमें एक लड़का होता है जो सब लोगों को बोलता है शेर आया भागो भागो भागो, लोग भाग जाते हैं उसका बात सुन के, उसको मजा आता है, मजा आया, बुद्धू बना आया, बड़ा मजा आया, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये प्रैंक मैं कल फिर से करता हूँ, वो फिर करता है, लोग फिर भाग जाते हैं। तीसरी बार क्या होता है, लोग बोलते हैं साला पागल है चिल्लाने दो उसको, पर तीसरी बार शेर सच में आ जाता है। लोग तो अपने घरों के अंदर ये चिल्लाते हुए भाग रहा है, शेर आया, गेट खोलो मुझे बचाओ, भाग रहा है शेर, उनके पीछे भाग रहा है, और शेर खा के चला गया। जब लोग आए बाहर, लोगों ने देखा, अरे भाई इस बार शेर तो सच में आया था। प्रैंक हो गया आपके साथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दीदी अगर आप अटेंशन के लिए ऐसी फालतू की हरकतें करते रहोगे, चीप हरकतें करते रहोगे, तो असलियत में आपके साथ कभी कुछ बुरा हो रहा होगा तब भी हम मजाक में लेकर के पूनम पांडे पागल है भाई हड़ा इसे इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ऐसे इग्नोर करने के लिए आपने हमें मजबूर कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी रही सर्विकल कैंसर को लेकर के अवेयरनेस की बात, तो चलो अच्छा ही हुआ लोगों को पता चल गया कि सर्वाइकल और सर्विकल अलग अलग चीजें होती हैं। बाकी तुम सीजन 2 की डिमांड मत करने लग जाना, वरना वो अंडरटेकर है ही, बताया ना मैंने। उनकी नेक्स्ट डेथ का तुम वेट मत करना, पर मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे, लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लो, चैनल मेरा फ्री है।